Hello class, today we are going to discuss about the NMR spectroscopy. What is NMR spectroscopy? The full form of NMR spectroscopy is nuclear magnetic resonance spectroscopy. जैसा कि आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये जो थ्री वर्ड्स हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका मतलब जो है ये वर्ड ही हमें बता देता है कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किससे रिलेटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर, इट इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है. एंड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड. और रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस हमें फिजिक्स के रेजोनेंस को थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि रेजोनेंस का क्या मतलब क्या है, कि जब दो फ्रिक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो वो हम उन्हें हम रेजोनेंस टर्म से डिनोट करते हैं. तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेजोनेंस, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि कोई भी एटम होता है उसका एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चारों तरफ जो है वो सर्कुलेटेड होते हैं. तो यहाँ पे हम जनरली जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे, हम न्यूक्लियस की बात करेंगे यहाँ पे, कि न्यूक्लियस किस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी में हेल्प करता है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द एनएमआर. एनएमआर इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन. दैट मीन्स एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की रेडिएशंस होती हैं, जो जिनका जो रेंज होता है वो 400 to 900 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है. और वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स. यानी जो एटम के न्यूक्लियाई हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन शो करती हैं, ठीक है. तो इन सभी में जो हमारा प्रोटॉन एनएमआर है, यानी एच एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स है फॉर दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन्स जो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनके उनके डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है. तो बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम प्रोटॉन और हाइड्रोजन को डिटरमाइन करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन, ठीक है. अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सभी न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव हो सकते हैं, यानी सभी न्यूक्लियाई क्या एनएमआर स्पेक्ट्रा देंगे. तो ऐसा नहीं है, हर न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होता है, यानी एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देता है. कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियाई होते हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं. दैट मीन्स इट इज़ यूज टू द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ न्यूक्लियाई लाइक H1, C13, N15, F19, P31, etc. अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी हमने यहाँ पे एटम्स की बात करी है, इन सभी एटम्स का जो मास नंबर है वो ऑड है. दैट मीन्स कि वही एटम की न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होंगे जिनका मास नंबर जो होगा वो ऑड होगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे विच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई आर एनएमआर एक्टिव और विच टाइप और न्यूक्लियाई आर इनएक्टिव. तो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होंगे, तो हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है. अगर किसी एटम का जो एटॉमिक मास है वो ऑड है और एटॉमिक नंबर भी ऑड है, यानी दोनों चीज़ें अगर ऑड है, एटॉमिक मास भी ऑड है और एटॉमिक नंबर भी ऑड है, तो वो एनएमआर एक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल H1 प्रोटॉन, ठीक है. इसका नंबर, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, यानी दोनों ऑड हैं. दैट मीन्स ये हमारा सबसे इफेक्टिव एनएमआर एक्टिव एटम है, ठीक है. सेकेंड, इफ एटॉमिक मास इज इवन बट एटॉमिक नंबर इज ऑड. अगर एटॉमिक मास इवन है लेकिन एटॉमिक नंबर ऑड है, तो वो भी हमारा एनएमआर एक्टिव होगा. जस्ट लाइक अ नाइट्रोजन 7, 14, इसका एटॉमिक नंबर ऑड है बट एटॉमिक मास जो है वो इवन है, ठीक है. तो ये भी एनएमआर एक्टिव होगा, लेकिन ये उतना अच्छा स्पेक्ट्रा नहीं देंगे जितना आपका यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है. सेकेंड इज ऑड, एटॉमिक मास इज ऑड
बट एटॉमिक नंबर इवन, अगर एटॉमिक नंबर इवन है बट एटॉमिक मास ऑड है तो वो भी एनएमआर एक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल कार्बन 6, 13, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एटॉमिक मास है वो ऑड है लेकिन नंबर इवन है तो ये भी एनएमआर एक्टिव है. कहने का मतलब क्या है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में से कोई भी एक ऑड होना चाहिए तो वो एनएमआर एक्टिव होगा. इनएक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होंगे? जब हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ही इवन हो तो उस केस में जो हमारा न्यूक्लियाई होगा वो इनएक्टिव होगा. जैसे ऑक्सीजन 18 और 16, मास 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये आपका इनएक्टिव होगा. इसी तरह से कार्बन 6 मास 12 है, ये भी इनएक्टिव है. ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है जो मैं आपको आगे इसके प्रिंसिपल में समझाऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये इनएक्टिव क्यों हो गया. तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो भी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनका अगर ऑड मास है या ऑड एटॉमिक नंबर है तो उनके पास एक प्रॉपर्टी होगी, दैट इज़ न्यूक्लियर स्पिन. यानी एनएमआर एक्टिव होने के लिए न्यूक्लियर स्पिन होना बहुत ज़रूरी है. यानी जो उनका स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए. जैसे स्पिन क्वांटम नंबर की जो है अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज आई, यहाँ पे हम न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं. स्पिन क्वांटम नंबर आई इज इफ नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज एक्टिव, एनएमआर एक्टिव. एंड इफ द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज जीरो, अगर स्पिन क्वांटम नंबर जीरो आ रहा है तो वो इनएक्टिव होगा. ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस टाइप के कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होंगे, जिसका या तो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर इनमें से कोई भी एक ऑड हो या दोनों ही ऑड हो तो वो एनएमआर एक्टिव होंगे. अदरवाइज अगर दोनों ही इवन है तो वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर स्पिन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एनएमआर. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो पहले मैं आपको ये लाइंस पढ़ देती हूँ. द थ्योरी बिहाइंड एनएमआर कम्स फ्रॉम द स्पिन ऑफ अ न्यूक्लियस. ठीक है, ये थ्योरी कहाँ से आई? न्यूक्लियस के स्पिन से आई. ठीक है, एंड इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. विदाउट एन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द न्यूक्लियर स्पिन आर रैंडम इन डायरेक्शन. ठीक है, ये जो लाइंस है वो क्या कहना चाहता है उसको उसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करती है. एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूम रही है, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट होती है. जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, साथ ही साथ वो सन के चारों तरफ भी रोटेट हो रही है. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, साथ ही साथ वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड भी लगाता है. तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. सिमिलरली जो आपका प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. ठीक है, यानी न्यूक्लियस जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस भी हमारा एक तरह से चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और न्यूक्लियस भी आपका अपने एक्सिस पे वो रोटेट करता रहता है. ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर में शो हुआ है, जस्ट लाइक दिस, ये न्यूक्लियस है आपका और वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, रोटेट हो रहा है. तो वो अपने एक्सिस पे जब वो स्पिन करता है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियाई है वो एज न्यूक्लियाई, या फिर हम प्रोटॉन की बात करें क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा जो प्रोटॉन है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. यानी क्योंकि वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन, और तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसका मतलब वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है.
अब किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियाई में तो वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, किसी का स्पिन इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में स्पिन है, मतलब वो रैंडमली अरेंज्ड हैं। जब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी वो अपने ग्राउंड स्टेबल स्टेट में है, उस टाइम पे जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रैंडम होती है। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? न्यूक्लियर स्पिन मैंने जैसे आपको बताया, जस्ट लाइक प्रोटॉन, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन पजेज अ स्पिन, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन होता है, सिमिलरली प्रोटॉन का भी एक स्पिन वैल्यू होगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, लेकिन जब वो विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, यानी जब वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, उस टाइम पे इनके दोनों स्पिन स्टेट, जैसे ऊपर यहाँ पे रेंडमली अरेंजमेंट है, किसी का स्पिन प्लस हाफ है, किसी का माइनस हाफ है, तो इस टाइम पे सभी का जो स्पिन एनर्जी है वो सेम होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन। नाउ When an external magnetic field is applied, जब आप इस ये जो हमारा randomly arranged nucleus है जिसमें number of protons हैं और उनकी random arrangement है, जब इसी nucleus को उठा करके आप किसी strong magnetic field में रख देते हो, जैसे ये हमारा एक strong magnetic field, applied magnetic field है, उसमें उठा के हमने अपने nucleus को रख दिया जिसमें number of protons randomly arranged हैं, तो जैसे ही हम इस nucleus को इस magnetic field में रखेंगे, जो nucleus की जो अलाइनमेंट है वो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लो ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, जिसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, ये मान लो कि आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हमने टाइनी मैग्नेट की तरह सपोज कर लिया। अब इस मैग्नेट को जब हम किसी बड़े मैग्नेट के प्रेजेंस में लेके जाते हैं और जिसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, बड़े मैग्नेट के प्रेजेंस में हम इसको लेके जाते हैं, तो क्या होगा, जस्ट लाइक क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है वो इस तरह से रोटेट होकर के आपका जो साउथ पोल है वो इस तरफ आ जाएगा और नॉर्थ पोल इस तरफ चला जाएगा, है ना, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम प्रोटॉन को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में लेके जाते हैं तो इसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है और ये अपनी अलाइनमेंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। अगर मान लो ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आपका जो प्रोटॉन है जो एज अ न्यू मैग्नेट बिहेव कर रहा है उसकी अलाइनमेंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इस स्टेट को हम कहते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, कुछ एक प्रोटॉन ऐसा हो सकता है कि वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो प्रोटॉन्स होंगे वो अपने अल्फा स्पिन स्टेट में आ जाते हैं, यानी स्टेबल स्टेट में आते हैं। स्टेबल स्टेट क्या है कि मोस्ट ऑफ दी प्रोटॉन्स जो हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अरेंज करके और मोस्ट स्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड अल्फा स्पिन स्टेट। अब इफ रेडियो फ्रिक्वेंसी इज अप्लाई, अब इस यहाँ तक हमने कर लिया, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी डालना स्टार्ट करोगे। जब आप रेडियो वेव्स डालना स्टार्ट करोगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी डालना स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा कि जिस फ्रिक्वेंसी पर ये अपना जो स्पिन स्टेट है स्पिन को चेंज कर दें, यानी कि जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस फ्रिक्वेंसी पर इनकी स्पिन 180 डिग्री चेंज हो जाए, फ्लिप कर जाए और अपने वो अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, उस स्टेट को हम कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट। और उस जब ये फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो रेडियो वेव एब्जॉर्ब हो जाता है और उसी एब्जॉर्बेंस पे हमें NMR स्पेक्ट्रा मिल जाता है। तो ये क्या कह रहा है, इफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी इज अप्लाइड एंड एनर्जी ट्रांसफर डेल्टा ई इज पॉसिबल बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट ओनली व्हेन द रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी मैचेस द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। हमने पहले भी बात की हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट में
कि ट्रांजिशन कब होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, जब हमारा डेल्टा ई और एच न्यू इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था, सॉरी प्रोटॉन जो था, स्टार्टिंग में वो उसकी रेंडम अरेंजमेंट थी। जैसे ही इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इस तरह से है, ऊपर की तरफ है। जैसे ही आप इस प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी अलाइनमेंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड यानी उसके पैरेलल हो जाती है। दिस इज़ द अल्फा स्पिन स्टेट, और जिसकी एनर्जी लोअर होती है और वो स्टेबल स्टेट में होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी स्पिन को अपोजिट होना है, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट जाना है, तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तभी वो अपने इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सकता है, ठीक है। तो इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने के लिए उसे डेल्टा ई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब आप रेडियो वेव डालना स्टार्ट करोगे, तो जिस फ्रिक्वेंसी पे वो फ्रिक्वेंसी इस डेल्टा ई की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, यानी जिस फ्रिक्वेंसी पे आपका ये जो अल्फा स्पिन स्टेट है वो 180 डिग्री रोटेट होकर के बीटा स्पिन स्टेट में आ जाए, यानी 180 डिग्री रोटेट करके अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, वो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पे हमें एब्जॉर्प्शन पीक मिलती है। दिस स्टेट इज कॉल्ड बीटा स्पिन स्टेट, और ये हायर एनर्जी होती है और अनस्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द एनएमआर। जब आपका प्रोटॉन जो है वो अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में गया, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल स्टेट है, तो वो क्या करेगा, स्पिन रिटर्न टू द इट्स ग्राउंड एनर्जी लेवल, एंड जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसने, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है, वो एमिट करेगा ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी लेवल, सेम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को वो एमिट करेगा, और उस एमिट रेडियो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल जो कि हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम देती है, ठीक है। द एमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दैट गिव द एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द कंसर्न्ड न्यूक्लियस, जो रेडिएशन उसने एमिट करी सेम फ्रिक्वेंसी की, उस रेडियो फ्रिक्वेंसी की स्टडी करके डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और स्टडी करके हम उस न्यूक्लियस की स्टडी कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रोटॉन या किस टाइप का हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है। तो जनरली जो एनएमआर स्पेक्ट्रम का प्लॉट होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और हमें इस तरह से इसमें पीक्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।